नमस्कार, आज है 19 दिसंबर 2020। पेश है आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें। नागचला हवाई अड्डा निर्माण के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध करवाए केंद्र, जयराम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से मंडी के नागचला हवाई अड्डा निर्माण के लिए केंद्र से वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए राज्य की ADB द्वारा वित्त पोषित 233.22 मिलियन US डॉलर की परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। इसी तरह जिला मंडी के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के रेडार सर्वेक्षण में तेजी लाने के अलावा शिमला और गगल हवाई अड्डों के रनवे के विस्तार के साथ शिमला हवाई अड्डे पर वायु परिवहन सेवा को पुनः शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अलग अलग मुलाकात करके यह मामले उठाए। उन्होंने केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य की एडीबी द्वारा वित्त पोषित 233.22 मिलियन US डॉलर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के अलावा अन्य मामलों को लेकर चर्चा की। इसी तरह केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के दौरान नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के रेडार सर्वेक्षण में तेजी लाने के अलावा शिमला और गगल हवाई अड्डों से जुड़े मामलों को उठाया। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डॉक्टर आर.एन. बत्ता और आवासीय उपायुक्त विवेक महाजन इस अवसर पर उपस्थित थे। 11 और पॉजिटिव मरीजों ने तोड़ा दम, 405 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 11 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा में 4 कोरोना संक्रमित बुजुर्गों की मौत हो गई। टांडा में हमीरपुर के 76 वर्षीय बुजुर्ग, जुहत थुरल की 72 वर्षीय महिला, बारा हमीरपुर के 52 वर्षीय व्यक्ति और खनियारा धर्मशाला के 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन नागली करसों के 80 वर्षीय बुजुर्ग, कुल्लू के जठानी के 83 वर्षीय बुजुर्ग, कांगड़ा नगरोटा बगवा की 60 वर्षीय महिला और नागचला बला के 90 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। शिमला में 50 वर्षीय महिला और 55 वर्षीय संक्रमित पुरुष की मौत हो गई। ऊना अम्ब उपमंडल के 53 वर्षीय व्यक्ति की टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 405 नए मामले आए हैं। मंडी 109, शिमला 90, कांगड़ा 54, चंबा 21, हमीरपुर 21, सोलन 42, सिरमौर 9, ऊना 24, कुल्लू 22, किन्नौर 11 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 51,625 पहुंच गया है। 5,974 सक्रिय मामले हैं। अब तक 44,748 मरीज ठीक हो चुके हैं और 855 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कई अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव, जूनियर टीमेट हिल्प भर्ती में होगी देरी। राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट के 1500 और जूनियर हेल्पर सब स्टेशन के 392 पद भरने की प्रक्रिया देरी से शुरू होगी। बोर्ड ने बीते दिनों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच को कमेटियां गठित की थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते यह प्रक्रिया नहीं हो पाई है। कई जिलों से अभी तक रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला नहीं पहुंची है। उधर चुनाव आचार संहिता के चलते भी परिणाम घोषित होने में देरी होने के आसार है। बिंदल की मुश्किलें बढ़ी, 22 साल पुराना अवैध भर्ती मामला SC में खुला, सरकार को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ 22 साल पुराना अवैध भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में खुला है। कोर्ट से मामला रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है और सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार समेत 35 लोगों नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल राज्य सरकार ने बीते साल बिंदल के खिलाफ इस केस को वापस ले लिया था और इसके बाद मामले को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। बाद में नाहन के एक समाजसेवी अनिल कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। वर्ष 1998 से 2000 के दौरान सोलन नगर परिषद में करीब 24 भर्तियां हुई थी। डॉक्टर बिंदल उस समय नगर परिषद के अध्यक्ष थे। आरोप था कि उन्होंने नियम दरकिनार कर चहेतों को नौकरी पर रखा। भाजपा के बाद कांग्रेस जब सत्ता में आई तो इस मामले पर जांच बिठाई गई। कांग्रेस ने डॉक्टर बिंदल के खिलाफ विजिलेंस में केस दर्ज करवाया। शुरुआत में बिंदल समेत 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये मामला सोलन की अदालत में चल रहा था। जनवरी 2019 में सरकार ने ये मामला वापस ले लिया था। सीएम ने दिया न्योता, पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती समारोह में वर्चुअली भाग लेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश 25 जनवरी 2021 को 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को वर्तमान सरकार के सफलतापूर्वक 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने और 25 जनवरी 2021 को पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए बधाई दी।
उन्होंने दोनों में से एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने और भविष्य में राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का पिछले 3 वर्षों के दौरान विशेषकर महत्वाकांक्षी परियोजनाओं अटल टनल आदि के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जिला शिमला में 1796 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू परियोजना का लोकार्पण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीति सहयोग के कारण 2497 करोड़ रुपए के संयुक्त निवेश के साथ 210 मेगावाट लूरी स्टेज 1 और 66 मेगावाट धौला सिद्ध परियोजना आधारशिला के लिए तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री से परियोजनाओं की आधारशिला रखने का भी अनुरोध किया। कांग्रेस ने जिला परिषद व नगर निकाय चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। जिला परिषद व नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को रणनीति तैयार की। इसके तहत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। राठौर ने कहा कि जिला परिषद व नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे लाया जाए। उन्होंने जिलाध्यक्षों से कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में भाजपा के किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को चुनावों पर पूरी नजर रखने और किसी भी गड़बड़ी का डटकर विरोध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर से छेड़छाड़ करते हुए फर्जी मतदाता बनाए जाने पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां भी गड़बड़ी नजर आती है उसकी लिखित शिकायत निर्वाचन अधिकारी सहित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को तुरंत भेजें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार की जनविरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व कृषि के काले कानूनों सहित अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है और सरकार की विफलताओं व भ्रष्टाचार से भी लोगों को अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि सभी को इन चुनावों में पूरे तालमेल व आपसी समन्वय के साथ काम करना है। इसके साथ ही उन्होंने जिला परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर समिति का गठन करने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन प्रदेश कांग्रेस सचिव हरिकृष्णा हिमराल ने किया। होम क्वारंटीन वोटर 4 बजे के बाद छड़ी से दबाएंगे ईवीएम का बटन। 4.25 लाख वोटर प्रदेश के 50 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन वोटरों में से 62% पुरुष और 48% महिला वोटर हैं। मतदान केंद्रों में मतदान से पहले सैनिटाइज भी किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार होम क्वारंटीन वोटर 4 बजे के बाद 1 घंटे तक अपना वोट डाल सकेंगे। ये वोटर मास्क पहनकर वोट डाल पाएंगे। इनको डिस्पोजेबल दस्ताने मतदान केंद्र में उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे वोटरों को छड़ी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का बटन दबाना होगा। ऐसे वोटरों को मतदान केंद्र के भीतर पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी ईवीएम तक ले जाएंगे। इस दौरान मतदान केंद्र में सिर्फ चुनाव ड्यूटी का एक अधिकारी तैनात रहेगा और अन्यों को बाहर कर दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल में कोरोना संक्रमितों को वोट देने के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार कोरोना संक्रमित नेता चुनाव तो लड़ सकेगा परंतु वह घरों घरों में प्रचार के लिए नहीं जा पाएगा। चुनाव आयोग ने यह कदम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाया है। कॉलेजों में शुरू होंगे साहसिक खेलों पर आधारित अल्पावधि कोर्स, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में साहसिक खेलों पर आधारित 3 महीने के अल्पावधि कोर्स शुरू किए जाएंगे। कॉलेजों में पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण कोर्स करवाने के लिए प्रशिक्षकों को बुलाकर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस बाबत जल्द सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। प्रदेश के कॉलेजों को नेक ग्रेड दिलाने के लिए शिक्षकों की विशेष टीमें बनाने का फैसला भी हुआ। इन शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ कॉलेजों में टीमें स्वयं भी विजिट करेंगी। मंडी कॉलेज से विशेष अभियान की शुरुआत होगी। मछुआरों के लिए वरदान साबित होगी पीएम मत्स्य संपदा योजना, वीरेंद्र कंवर। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों की आय को दोगुना करने में वरदान साबित होगी। यह बात कांगड़ा जिला के फतेहपुर उपमंडल के खटियार में मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित मछुआरा लाभार्थी सम्मेलन में कही। उन्होंने बताया कि यह योजना आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस मौके पर गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर तथा राज्यसभा के पूर्व सांसद कृपाल परमार भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री ने 99 मछुआरों को लाइफ जैकेट्स प्रदान की। उन्होंने बताया कि पौंग डैम मंडल के तहत 15 सहकारी सभाओं के कुल 1798 मछुआरों को ये जैकेट्स वितरित की जा रही हैं। विभाग द्वारा मछुआरों को बंद सीजन के दौरान 3,000 रुपए प्रतिमाह राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 4,500 रुपए किया जा रहा है। मछुआरों की बीमा राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है, जबकि स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उन्हें 2.50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगते ही होर्डिंग्स हटाने का कार्य शुरू।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। चुनावों की घोषणा के साथ ही इन क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। यह जानकारी देते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के तहत कोविड से बचाव एवं जागरूकता पर आधारित होर्डिंग्स को जारी रखने की अनुमति दी गई है। किसान आंदोलन का हो रहा राजनीतिकरण, किसान मोर्चा चलाएगा हस्ताक्षर अभियान, राकेश बबली। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश बबली ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के शुरू होते जो मांगे थी उन पर केंद्र सरकार ने सहमति जताते हुए लिखित देने का भी प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन अब किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है। बबली ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश के 3.5 लाख किसानों तक पहुंचकर उन्हें किसान विधेयकों की जानकारी देगी और हस्ताक्षर अभियान चलाकर केंद्र सरकार का आभार जताएंगे। कृषि विधेयकों को लेकर किसानों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए भाजपा किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश के किसानों के बीच जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश बबली ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हिमाचल के 3.5 लाख किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि विधेयकों से होने वाले लाभ बताएंगे। वहीं एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और इस हस्ताक्षर अभियान के जरिए केंद्र सरकार का आभार जताया जाएगा। बबली ने कहा कि एमएसपी और मंडियों को लेकर ही यह किसान आंदोलन शुरू किया गया था और केंद्र सरकार ने किसानों की इन मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन अब यह आंदोलन राष्ट्र विरोधी ताकतों और राजनीतिक संगठनों ने हाईजेक कर लिया है। बबली ने किसान हितों के लिए किसान मोर्चा भी हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन जो लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने निजी हित साधना चाहते हैं, भाजपा किसान मोर्चा उन्हें बेनकाब करेगा। एयरपोर्ट में नौकरी के नाम पर एक और बेरोजगार हुआ ठगी का शिकार। गगल एयरपोर्ट पर नौकरी देने के नाम पर पिछले लंबे समय से शिकार हो रहे बेरोजगारों में शुक्रवार को एक और गरीब बेरोजगार ठगी का शिकार हो गया। गगल एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने बताया कि शुक्रवार प्रातः जिला चंबा के सिहुता गांव का एक युवक एयरपोर्ट पर सुपरवाइजर पद के लिए नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचा। मनरेगा में दिहाड़ी लगाकर जीवन गुजार रहे ठगी का शिकार युवक ने बताया कि ठगों ने उसे जाल में फंसाकर 3,800 रुपए खाते में डलवाए तथा स्पीड पोस्ट से जाली नियुक्ति पत्र उसे भेजा। एयरपोर्ट निदेशक ने एक बार फिर युवाओं को सावधान करते हुए कहा कि वे नौकरी के चक्कर में किसी के बहकावे में न आए तथा नौकरी के बारे जानकारी लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में एचपीएमसी के उत्पाद बेचेंगे महेंद्र। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पराला में 18,000 मीट्रिक टन क्षमता का सेब विधान संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें 1,00,000 लीटर फ्रूट वाइन, 50,000 लीटर सेब का सिरका, सेब के छिलके से पेक्टिन उत्पादन का संयंत्र और पीईटी बॉटलिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है। 100% सेब के रस की टेट्रा पैक पैकिंग में पतंजलि के हरिद्वार स्थित फूड पार्क में बनाने का भी अनुमोदन किया गया है। मंत्री शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन समिति एचपीएमसी के निदेशक मंडल की बैठक अध्यक्षता में हुए यह जानकारी दी। कर्मचारी चयन आयोग ने ली 2 परीक्षाएं, आधे अभ्यर्थी भी नहीं पहुंचे। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने शुक्रवार को जूनियर लेबोरेटरी तकनीशियन और जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर की लिखित परीक्षा सुबह और शाम के सत्र में ली। दोनों परीक्षाएं हमीरपुर जिले मुख्यालय के 9 परीक्षा केंद्रों पर करवाई गई। जूनियर लेबोरेटरी तकनीशियन पोस्ट कोड 806 का पद भरने के लिए चयन आयोग हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा करवाई गई। चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि लिखित परीक्षा के लिए हमीरपुर में 5 परीक्षा केंद्रों में 767 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 210 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी, जबकि जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर पोस्ट कोड 807 का पद भरने के लिए ये परीक्षा 2 से 4 बजे तक हमीरपुर जिला मुख्यालय में हुई। 4 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रदेश भर के 590 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 124 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे। सेल्फी लेते समय ब्यास नदी में डूबने से आगरा के युवक की मौत। चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर मंडी से करीब 43 किलोमीटर दूर बनाला के पास सेल्फी लेते समय आगरा के एक युवक की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चांद मोहम्मद 24 पुत्र शौकत खान निवासी शिवनगर कमाल खान पीएस शाहगंज आगरा यूपी के रूप में हुई है। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे हुआ। युवक दोस्तों के साथ घूमने के बाद मनाली से लौट रहा था। सभी दोस्त बनाला के पास चाय पीने के लिए रुके थे। सभी दोस्त फोटो खींचने के लिए ब्यास नदी के किनारे पर चले गए। इस बीच चांद मोहम्मद नदी के किनारे से उतरकर चट्टान पर चढ़ गया और दोस्त उसके फोटो खींचने लगे। सेल्फी लेते समय चांद ने अपना संतुलन खो दिया और ब्यास नदी में गिर गया। उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी पहुंच गए और उसे बचाने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो सके।
पंचायत चुनाव ड्यूटी पर जान गई तो परिजनों को 10 लाख मुआवजा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की जान जाती है तो उसके परिजनों को मुआवजा मिलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी किसी कारणवश मौत होती है तो उसके परिजनों का मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह चुनाव ड्यूटी में स्थायी अपंगता होने पर कर्मचारी के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। विशेषज्ञ बताते हैं कि राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष 1915 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के समय कर्मचारियों के लिए मुआवजा की व्यवस्था की थी। पिछले चुनाव में 4 कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी में मौत हो गई थी। 1 कर्मचारी की किन्नौर में ड्यूटी देते हुए मौत हो गई थी। इसी तरह अन्य कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी में स्कूटर से जाते समय दूसरे वाहन से टक्कर लगने से मौत हो गई थी। चुनाव ड्यूटी में कुल 4 की जान गई थी, जिनके परिजनों को चुनाव आयोग की ओर से मुआवजा दिया गया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।